मोटर पे कस देंगे दोस्तों, दो नट से टाइट कर देंगे, इसमें हमको चाबी नहीं डालना है अभी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको हमारा जो V4 की मोटर आती है उसके पंप को बना के दिखाएंगे। पंप किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या क्या सेटिंग्स हमको करना होती है, हमारे जो बाउल एम्पुलर सेट रहते हैं वो किस तरह से बदले जाते हैं और क्या सेटिंग करना पड़ती है, किस तरह से हमको इसको पंप को कंप्लीट सेट करना होता है, वो सारा इस वीडियो में बताने वाले हैं हम आपको। तो देखिए, हमने ये पंप पहले से खोल दिया था दोस्तों। ये हमारा इसका पंप का ऊपर वाला केसिंग रखा हुआ है दोस्तों, और पंप का सामान पूरा हमने खोल दिया है। हम जो ये बाउल एम्पुलर सेट है वो सारे बदलने वाले हैं दोस्तों। तो इसकी सेटिंग किस तरह से करनी होती है वो सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और बहुत ही बढ़िया होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें, तो आपको एकदम सही से जानकारी मिलेगी और आप इजीली तरीके से आपका पंप तैयार कर सकते हो दोस्तों। क्या क्या सेटिंग्स करना होती है हमको, किस तरह से हमको बाउल एम्पुलर सेट करना होते हैं, तो वो सारा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे और आपके कुछ काम का हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तों। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और हम आपको इसमें बहुत ही बारीकी तरीके से समझाने वाले हैं किस तरह से हमको पंप कंप्लीट करना होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हम मोटर के ऊपर पंप फिट करेंगे। सही तरीका हमारा ये रहता है दोस्तों, मोटर के ऊपर ही पंप आपको बनाना चाहिए, कोई सा भी बनाओ। और अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप नीचे भी विदाउट मोटर के भी पंप कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। तो हम आज आपको मोटर के ऊपर कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमको जो हमारा सेक्शन होता है दोस्तों, ये देखिए शाफ्ट डाल ली हमने इसमें इस तरह से, और इसको हम इस पर मोटर पे कस देंगे दोस्तों, दो नट से टाइट कर देंगे। इसमें हमको चाबी नहीं डालना है अभी, क्योंकि हम केवल कपल ही पंप सेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमको चाबी डालने की अभी इसमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये शाफ्ट हमने कुछ इस तरह से डाल दी है। आप चाहे तो इसका अगर बूझ ख़त्म हो जाए तो बूझ भी डाल लीजिएगा, अभी हमारे इसका बूझ सही है इसलिए हम इसमें बूझ नहीं डाल रहे हैं, यहाँ सेक्शन में हमारा एक बूझ रहता है। तो चलिए, बिगर चाबी की हमको इस तरह से इसको कपल को सेक्शन को इसमें डाल लेना है और हमारा दो नट करके टाइट कर लेना है दोस्तों। तो चेक कर लेते हैं, देखिए हमने इसको अच्छे से टाइट कर लिया है और ये देखिए हमारा यहाँ से पूरा इस तरह हमको चिपका लेना है। हमको शाफ्ट को घुमा के देख लेना है हमारी शाफ्ट सही से फिट हुई कि नहीं। और एक चीज़ की ये ध्यान रखना दोस्तों, देखिए ये आप यहाँ पे आपको दिखाते हैं थोड़ा, ये इतनी हमको गैप होना चाहिए दोस्तों इसमें, ऐसा नहीं कि ये गैप पूरी हम ख़त्म कर दें, कम से कम इतना गैप तो हमारे को होना ही चाहिए यहाँ पर, ये पूरी गैप हमको ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये हमने सेक्शन डाल दिया, इसके बाद में देखिए दोस्तों, तो ये इस तरह से हमारे दोस्तों देखिए कुछ बाउल एम्पुलर सेट है इसके, ये हमारे चार नंबर के हैं, K4 कोरा 4 बोल सकते हैं आप इसको, और ये HF है दोस्तों, इसमें स्टार भी आते हैं और सादे भी आते हैं, हम ये सादे वाले डाल रहे हैं ठीक है। इसमें दो डिजाइन में आता है, स्टार में भी आता है जिसको HH बोला जाता है और इसको HF बोला जाता है, ये कोरा 4 है, K4 के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसको। और ये बाउल है हमारा इसका, और इसमें जो ये नेकरिंग लगी है ये SS की है दोस्तों, तो इसमें सादे भी आते हैं, आपको कभी भी डालना हो तो इस तरह के SS रिंग वाले ही डालें। तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हम एम्पुलर डालेंगे हमारा, ये देखिए एम्पुलर हमको यहाँ से डालना है, और डालने के बाद में दोस्तों हमको यहाँ पे गैप देखना है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे सेट करने में क्या ध्यान रखना है, सबसे स्टार्टिंग का ही ये जो हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से से लगना नहीं चाहिए दोस्तों, इससे हमारा ये जो हिस्सा है एम्पुलर उठा हुआ रहना चाहिए। देखिए यहाँ गैप आपको दिख रही होगी, थोड़े पास से आपको दिखाते हैं, थोड़ा ठीक तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो गैप दिख रही है अभी फ़िलहाल में हमारा इससे दूर है दोस्तों, ये दूर ही रहना चाहिए, इससे चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। और दूर कितना रहना चाहिए दोस्तों,
ये देखिए अभी हमारा ये जो है अभी फिलहाल कंडीशन में, इससे थोड़ा और हमको ऊपर करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए कुछ इस तरह से ये सीम आती है, सीम वाइसर आते हैं इसके, ये वाले ये हमको लगाना होते हैं दोस्तों इसमें। तो चलिए हम ये इसमें दो सीम वाइसर और लगा देते हैं। कुछ इस तरह से हमने ये सीम डाल दी इसमें और फिर वापस से हम एम्पुलर डाल के देखते हैं। हमको यही सेटिंग का ध्यान रखना है दोस्तों इसमें। ये देखिए दोस्तों अब हमारा कितना उठा हुआ है, थोड़ा पास से दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए ये हमारा इतना यहाँ से दूर है दोस्तों, तो ये इतना दूर हमारा रहना चाहिए दोस्तों इसमें। ये देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, एक एम्पुलर सेट करने के बाद में आपको या तो आप ध्यान रख सकते हो कि हमको इतना उठाना तो ठीक है, नहीं तो कोई सी भी आप पत्ती ले लीजिए, पेचकस ले लीजिए और उस पर इस तरह से डाल के और यहाँ पे निशान बना लीजिए। जो भी रहे हमारा पेचकस रहे कुछ भी रहे, इस पर मार्कर से निशान बना लीजिए और सभी एम्पुलर को आपको सभी एम्पुलरों में इतनी गैप आपको रखना है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें दोस्तों। तो इसी तरह अब इसे लगाने के बाद में देखिए बाउल लगाएंगे और बाउल लगाने के बाद में दोस्तों ये देखिए हमको एक ध्यान और रखना है इसमें, ये लगाने के बाद में यहाँ से दबा के इस तरह से उठाना है हमको। ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी एम्पुलर की स्लू है इस पर इस तरह अंगूठा रख के आपको इस तरह से उठा के देखना है इसको। ये वाली गैप ऊपर नीचे की भी हमारी रहना चाहिए दोस्तों इसमें, और ये ज़्यादा भी नहीं उठना चाहिए। ज़्यादा उठेगा तो क्या होगा दोस्तों हमारा, ज़्यादा उठने पे फिर देखिए हम बताते हैं आपको। अगर ये इस तरह से ज़्यादा उठेगा, आप नीचे से भी ज़्यादा उठा दोगे तो ये वाला हिस्सा हमारा ये वाले हिस्से में टकराने लग जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए हमको। सेटिंग में यही ध्यान रखना है हमको कि ये वाला हिस्सा भी हमारा इसमें नहीं लगना चाहिए और ये नीचे वाला हिस्सा हमारा इसमें नहीं लगना चाहिए, यही ध्यान रखना है। तो चलिए दूसरा एम्पुलर डालते हैं हम, इसको भी सेट करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये भी सेम हमारा उतना ही, ये देखिए इतनी गैप हमको सभी में रखना है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा इसमें लगेगा नहीं और ये हिस्सा हमारा इसमें लगना नहीं चाहिए। सेटिंग में यही ध्यान रखना है आपको कि इस तरह से आपको सेट करना है पंप को और आपको लगाते जाना है बाउल, आपके डालते जाना है इस तरह से। और हर बाउल एम्पुलर डालने के बाद में आपको ये गैप देखना है कि जो हमारी स्टार्टिंग में थी वही ऊपर नीचे गैप रह रही है दोस्तों, उसका ध्यान रखना है आपको। ये देखिए यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ से देखिए ये वाली गैप। तो देखिए दोस्तों हमने आपको बता दिया, एक एम्पुलर पहले सेट करके दिखा दिया, दूसरा ये भी सेट करके दिखा दिया आपको हमने। इसकी भी गैप हमको इतनी रखना है, गैप का आपको हमने बता दिया। अगर आपको इस तरह से आप ध्यान नहीं रख सकते तो आप किसी भी जो भी फर्स्ट एम्पुलर आप डालो उसमें पेचकस है या कोई रीप ले लीजिए या कोई भी आइटम ले लीजिए जिसपे आप ये गैप का निशान बना लीजिए। और इसी तरह आपको जितने भी बाउल सेट एम्पुलर सेट डालेंगे इसमें उन पर सब में इतनी ही गैप रखना है सेम आपको। तो इसकी आपको ध्यान रखना है और इसी तरह से आपको सेटिंग करना है। तो चलिए हम जल्दी से अब ये बिठाते जाते हैं बाउल एम्पुलर, हमको इस तरह से उठा के भी देखते जाना है हर बाउल एम्पुलर डालने के बाद में दोस्तों। ये गैप भी हमारी रहना चाहिए, ये गैप भी हमारी ख़त्म नहीं होना चाहिए दोस्तों और ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए, दोनों बात होना चाहिए दोस्तों। उस तरह से हमको सेटिंग करना है। तो सेटिंग करने के लिए आपको हमने बता दिया, अगर आपको ज़रूरत लगे नीचे हमारा टकरा रहा अगर एम्पुलर तो आपको, तो दोस्तों आपको हमने बता दिया किस तरह से आपको सेट करना है और हमने आपको बता भी दिया है कि अगर आपका यहाँ पर नीचे टकरा रहा हो तो आपको सीम लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे सीम लगती है इसके नीचे, सीम से हमको सेटिंग करना होती है। जो हमने आपको सीम बताई एक बार और दिखा दें, कुछ इस तरह की सीम आती है हमारी ये। ठीक है, और ये लगाते जाना है आपको कंटिन्यू, इसी तरह से आपको लगाना होते हैं दोस्तों ये। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से और घुमा के भी देखना है आपको और ये गैप भी देखते रहना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये सेटिंग हमको आपको बार बार बता रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है, और बिठाते जाना आपको इस तरह से। और अगर आप सारे एक ही सेट के डालोगे दोस्तों तो आपको हर बाउल एम्पुलर में सीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बहुत ही इजी रहता है दोस्तों इसको फिटिंग करना। केवल आपको फर्स्ट वाला एम्पुलर जो रहता है उसी को सही से सेट करना होता है, तो आपके सारे एम्पुलर बावल ऑटोमेटिक ही सही से सेट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, आगे आपको और भी इसमें जानकारी देंगे हम क्या करना है। इसको केवल यही सेटिंग नहीं और भी सेटिंग इसमें करना होती है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। ये हमारे बाउल एम्पुलर इसमें डलने के बाद में क्या सेटिंग करना होती है हमको वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से, और ये हमारे कोरा 4 है दोस्तों, 4 नंबर एम्पुलर बाउल सेट है ये जो कि हम डाल रहे हैं इसमें। ये देखिए हमारी सेटिंग सेम आ रही है दोस्तों, और इसी के ध्यान रखना है आपको। ये देखिए ये हमारी गैप भी वही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमको। ये देखिए चलते जाना है, और ये गैप की आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। ये हम क्यों इससे ऊपर उठाते हैं वो भी आपको बता दें हम, क्योंकि ये हमारा नीचे अगर इसमें टकराता हुआ चलेगा तो ये कट जाएंगे दोस्तों हमारे, क्योंकि पीवीसी की है, और ऊपर भी अगर टकराएंगे तो भी कट जाएंगे। तो इसलिए इसको इस तरह से सेट करना होता है, ऊपर नीचे दोनों साइड हमको ये गैप रखना ज़रूरी है। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमारा पंप ये कंप्लीट हो गया है, और ये दोस्तों V4 का पंप है हमारा, सिंगल फेस की मोटर जो आती है, और इसमें V4 में 3 फेस में भी आती है मोटर दोस्तों, उसका भी पंप सेम ऐसे ही सेट होता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा लास्ट वाला एम्पुलर भी हमने डाल दिया। देखिए इसमें भी हमारी सेम वही गैप आ रही है, आपको दिखा दें ये देखिए, और हमने आपको सेटिंग का तरीका बताया है इस तरह से आपको इतनी गैप रखना है दोस्तों इसमें। तो इसके बाद में हमारा ये लास्ट वाला बावल सेट बावल डाल देंगे हम, ये एम्पुलर डालने के बाद में लास्ट वाला हमारा बावल डालना है। ये हम पुराना वाला ही डाल रहे हैं, आप चाहे तो नया भी डाल सकते हो। ये जो ऊपर की रिंग है आपको अगर ज़रूरत लगे तो ये निकाल सकते हो, निकाल दोगे तो बेटर रहेगा, ये निकल जाती है दोस्तों। तो चलिए इसको इस तरह से बिठाने के बाद में अब हमको दोस्तों क्या करना है, इस तरह की हमारी स्लू लगती है इसमें, और ये की रहती है हमारी चाबी, इसको चाबी को डाल देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से डालने के बाद में हमको ये स्लू हमारी डाल देनी है। स्लू डालने के बाद में हमको इसमें ये इस तरह से कस देना है इसको टॉप वाइसर लगा के, और इसको हम कस देंगे अच्छे से। इसको आपको एलंकी से टाइट कर देना है इस तरह से, ठीक है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा पंप कंप्लीट फिटिंग हो गया है और सेटिंग हो गई है। अब इसको दोस्तों उसमें डालना है हमको, तो उसके लिए भी हमको सेटिंग करना होती है, ऐसे ही ये उसमें नहीं डलेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा वो भी हम आपको बताते हैं। अब हम इस पंप को यहाँ से खोल के नीचे उतार लेंगे दोस्तों इसको, ठीक है, नीचे ये वाला जो हमारा केसिंग रहेगा उसमें डालेंगे, तो इसमें क्या सेटिंग करना होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमने उसमें से निकाल लिया है, अब हमको ये पाइप में ये डालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, इसकी भी हमको सेटिंग करना होती है। तो ये जो पाइप को लेना है, तार या लकड़ी कुछ भी ले लीजिए आप, इस तरह से हमको इसकी लेंथ नापना है दोस्तों। ये देखिए हम इसकी लेंथ नाप, इसकी लेंथ नाप के हमको यहाँ पे मार्कर से निशान बना लेना है इस पर। तो चलिए हम बना लेते हैं थोड़ा, ये इस तरह से हमने इसकी नपती ले ली है, और फिर ये लेने के बाद में हमको क्या करना है, इसी नाप को दोस्तों इससे हमको लेंथ नापना है इसकी। ये देखिए अब ये लेंथ नापने में हमको लेंथ इसके बराबर होना चाहिए, मतलब कि हमारा इस पर थोड़ा कुछ दबाव रहना चाहिए, नहीं तो अगर ये अगर छोटा पड़ रहा हो लेंथ में, ढीला रह रहा हो, तो इस तरह के रबर आते हैं
वो हमको लगाना होते हैं दोस्तों। तो वो आप बाहरी किसी चीज़ से सेट करके इस तरह से देख लेना, आपको रबर रख के जितने लगे, एक लगे, दो लगे, जो भी लगे आप लगा सकते हैं। तो हम इसकी सेटिंग यहाँ से देख लेते हैं, फिर इसको उसमें फिटिंग करते हैं। तो देखिए हमारा ये कुछ इस तरह से सेटिंग की है हमने ये, और अब हम इसमें बिठाएंगे दोस्तों। इस तरह से हमको एक रबर भी डालना पड़ेगा इसमें, तो चलिए हम डालते हैं। तो इसमें थोड़ा ऑयल डाल देना आपको। ऑयल डालने के बाद में फिर देखिए कुछ इस तरह से ही हमको इसमें डालना होगा। तो देखिए इस तरह से हमको इसको बिठाना है। बिठाने के बाद में इसको इस तरह से टाइट करना होता है दोस्तों। कुछ इस तरह से हमको ये केसिंग यहाँ पे ये पाइप कस देना है। ये हमारा पूरा चिपकेगा दोस्तों। तो हम अब बाकी का इसमें पाना लगा के पाने लगाएंगे और फिर इसको कसेंगे। तो इस तरह से आप रख के भी कस सकते हो इसको। तो कुछ इस तरह से पाने से हमको कसना है दोस्तों इसमें। और दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है, ये देखिए आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं हम, ये जो इतनी दूरी रहे कम से कम, और हमारा टाइट कसाना चाहिए ये दोस्तों, तो ताकि हमारा इस पर दबाव सही से रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हमको अच्छे से इसको टाइट कर देना है। ये हमारा यहाँ से पूरी तरह चिपक गया है। और ये देखिए आप पंप भी आपको घुमा कर दिखाते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा सेटिंग हुआ है दोस्तों। ये देखिए ये हमारी इसमें गैप भी रही ऊपर नीचे, ये गैप भी रहना चाहिए, और पंप भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्री है दोस्तों। ये देखिए तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हमको पंप फिटिंग करना पड़ता है, और पंप की सेटिंग कुछ इस तरह से करनी होती है दोस्तों। तो इस तरह से आप कोई सा भी पंप बना सकते हो V4 का दोस्तों सेटिंग करके। तो चलिए दोस्तों आपको अच्छे से इसमें समझ में आ गया होगा जो कि हमने आपको बताने की कोशिश की कि पंप किस तरह से हमको सेट करना होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।